हरियाणा में पिछले लंबे समय से आरटीओ विभाग को ओवरलोडिंग वाहनों के मामले में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने सभी 22 जिलों में वेइंग मशीन उपलब्ध करवाई है ताकि ओवरलोडेड वाहनों को मौके पर ही वेट करके उस पर जुर्माना किया जा सके। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यमुनानगर में भी ओवरलोडिंग वाहनों की भारी समस्या आ रही है। यहाँ से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन माइनिंग मटेरियल समेत अन्य सामान लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आते जाते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आरटीओ विभाग को यह दिक्कत रहती थी कि जब ओवरलोडेड वाहन को विभाग के अधिकारी चेक करते थे तो मौके पर वाहन चालक उन्हें लोड के हिसाब से बताते थे, जबकि वास्तव में वाहन में लोड अधिक होता था। अधिकारी उन इलाकों में कांटा ढूंढते थे ताकि उसका वेट किया जा सके, इसमें काफी समय गुजरता था। लेकिन अब सरकार ने विभाग को लेटेस्ट टेक्निक की मशीन उपलब्ध करवाई, इसके जरिए मौके पर ही वाहनों का लोड चेक किया जा सकता है। जिले में प्राय देखने में आया है कि 600-700 के करीब जो पॉपुलर की ट्रालीज हैं वो हमारा मंडोली मंडी में आती है और 400-500 के करीब हमारी माणकपुर मंडी में आती है। इसमें भी हमारा सेक्रेटरी मार्केटिंग बोर्ड से टाइप हो चुका है, तो वहाँ भी हम रिफ्लेक्टर टेप बनाने का काम करेंगे। और साथ में हमारा जो बुधवार और शुक्रवार को जो हमारी फिटनेस का जो पास होता है जो गाड़ियों का, तो इसमें भी हम अपने लेवल पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं जो लोड लेते हैं, यदि उनके रिफ्लेक्टर नहीं है तो कृपया अपने रिफ्लेक्टर टेप लगाएं, क्योंकि यदि हम एक भी जान अपने लेवल पर बचा पाए तो यह हमारे लिए बहुत उधर नुह में